क्योंकि जिन घरों में श्राद्ध नहीं होते हैं उन घरों में पितृदोष या वास्तुदोष की स्थितियां बनती हैं। हैसियत के अनुसार, आस्था के अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। चढ़ाने के पश्चात उनका नाम ले और ये श्राद्ध उसका संपन्न हो जाए। श्राद्ध पढ़ रहे हैं 2024 में, वो 17 सितंबर 2024 से और 2 अक्टूबर 2024 के मध्य पढ़ रहे हैं। प्रतिपदा यानी कि पहले दिन का श्राद्ध कर सकते हैं, जिसे पड़वा भी कहते हैं। हमारी दिवंगत आत्माएं हैं, जिन्हें हम पूर्वज या प्रेतात्माएं कहते हैं, उनका भोजन का जो समय बताया गया है वो मध्याह्न है। वो खीर होती है या उसे आप इस आधुनिक युग में मेवा का दूध भी कह सकती हैं कि कन्या या स्त्री श्राद्ध करने की पूर्ण अधिकारी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। श्राद्ध और श्रद्धा, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं परंतु एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना श्रद्धा के श्राद्ध कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो आज का जो वीडियो है वह श्राद्ध पर आधारित है, परंतु किस तरीके से हम श्राद्ध को मनाएं, किस तरीके से उसमें श्रद्धा कितनी दिखाएं और कैसे दिखाएं, इसी को लेकर के पूरा आज का वीडियो होगा। यानी कि श्राद्ध की पूरी ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। मेरे साथ में है अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो आपका स्वागत है पंडित जी अमर उजाला डिजिटल में। तो पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम कि जैसे जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है कि श्राद्ध होता क्या है, परंतु जो नई पीढ़ी आ रही है उनको अब नहीं पता कि आखिर श्राद्ध होता क्या है। तो सामान्य भाषा में और संक्षेप में कैसे बताएंगे कि श्राद्ध कैसे होता है? देखो, श्राद्ध शब्द का सबसे पहला जो अर्थ निकल के आता है, जो श्राद्ध शब्द से बना हुआ है, उसका मतलब है श्रद्धा, विश्वास, आस्था। अपने दिवंगत पूर्वज या आत्माओं के लिए जिनके निमित्त ये 16 दिन का श्राद्ध पक्ष पड़ता है, वास्तविकता में ये एक तरह से त्यौहार है उन पूर्वजों के लिए, उन दिवंगत आत्माओं के लिए जिनको हम पूरे वर्ष में 16 दिन इस महीनों में याद कर सकते हैं। याद करने से तात्पर्य है जैसी भी व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास, आस्था, हैसियत या औकात, जिस शब्द को कहते हैं हम लोग, उसके अनुसार वो उन लोगों को याद कर सके, उनके निमित्त कुछ निकाल सके, उनके निमित्त ब्राह्मण भोज करा सके। अच्छा पंडित जी, श्राद्ध करना क्या जरूरी है? देखो, वास्तविकता में मैं तुम्हें बता दूं, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना या अपने जीवन काल में व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों के निमित्त पूरे साल में एक दिन उनके लिए कुछ करना, ये अत्यंत जरूरी है। क्योंकि जिन घरों में श्राद्ध नहीं होते हैं उन घरों में पितृदोष या वास्तुदोष की स्थितियां बनती हैं, उन घरों में खुशहालियां नहीं आती हैं, उन घरों में नाना प्रकार के रोग दोष पनपने लगते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, व्यक्ति को अपनी श्रद्धा, विश्वास, हैसियत के अनुसार, आस्था के अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर वो वास्तविकता में दीनहीन है, उसके पास में पैसे का अभाव है या उसके पास में साधन संपन्न स्थिति नहीं है, तो वो केवल एक तांबे के पात्र में गंगा जल, उसमें मीठा कुछ डाल के, रोली चावल वगैरह डालने के पश्चात काले तिल हाथ में लेके दक्षिण दिशा की तरफ अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए जिस तिथि पे उनके दिवंगत आत्मा गए हैं, उस तिथि पर जिस दिन उसे श्राद्ध करना है, उस दिन उनका नाम लेते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को अर्पित कर सकता है, हाथ जोड़कर पूरी तरह से उसे कर सकता है। उनको चढ़ाने के पश्चात उनका नाम ले और ये श्राद्ध उसका संपन्न हो जाए। पंडित जी, अगर श्राद्ध करना अब जरूरी है तो एक ये बात आती है कि इस बार जो है श्राद्ध जो कुछ दिन में ही है, तो कब से कब तक? देखो, इस बार जो श्राद्ध पड़ रहे हैं 2024 में, वो 17 सितंबर 2024 से और 2 अक्टूबर 2024 के मध्य पड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि जो दिवंगत आत्मा हैं पूर्णिमा के दिन जाती हैं संसार से विदा होकर, उनका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन से किया जाता है। और इस दिन जो पूर्णिमा पड़ रही है वह अनंत चतुर्दशी वाले दिन से ही 2:11:44 से पूर्णिमा लागू हो जाएगी, जो मंगलवार 18 तारीख को 8:04 तक मान्य होगी। इस दिन आपको पूर्णिमा का श्राद्ध करना मान्य होगा। 18 तारीख मंगलवार को, बुधवार को आप प्रतिपदा यानी कि पहले दिन का श्राद्ध कर सकते हैं, जिसे पड़वा भी कहते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसा कि श्राद्ध करने
का सही समय क्या है, क्योंकि अपने कई बार ड्यूटी के हिसाब से कई सुबह सुबह ही कर देते हैं, कुछ अगर ड्यूटी लेट है तो थोड़ा सा बाद में कर देते हैं, क्या कोई समय का भी प्रावधान होता है? देखो, वास्तविकता में श्राद्ध पक्ष का पहला मतलब होता है जो हमारी दिवंगत आत्माएं हैं, जिन्हें हम पूर्वज या प्रेतात्माएं कहती हैं, उनका भोजन का जो समय बताया गया है वो मध्याह्न है। मध्याह्न का मतलब होता है 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में। इस बीच में अगर आप उन्हें अपने नाम लेकर या उन्हें भाव प्रदर्शित करते हुए उन्हें बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं खाने के लिए कि आप अपने इष्ट मित्रों सहित आकर हमारे इस कार्य का लुत्फ़ उठाएं या खाएं, तो वो श्राद्ध आपको लगेगा। दूसरी बात, श्राद्ध में सबसे पहली बात क्या कही गई है, इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर, दिखावा या बड़बोलेपने की बातें या अपने आप को ज़्यादा उच्च प्रदर्शित करना, ये स्थितियाँ ना हों। वास्तविकता में जिस दिन दिवंगत आत्मा का श्राद्ध आपके परिवार में हो रहा है, उस दिन घर का माहौल बहुत सात्विक हो, आप उन लोगों को याद कर रहे हों जिन लोगों के निमित्त खिला रहे हैं। अच्छा पंडित जी, जैसा कि श्राद्ध के समय पर भोज्य पदार्थ बनते हैं, तो भोज्य पदार्थ को लेकर के भी क्या कोई ऐसा ज्योतिष प्रावधान है कि ये चीज़ें खिलानी ज़रूरी है या बनाना ज़रूरी है, या अपने हिसाब से ही बनाएगा कैसे? देखो, वास्तविकता में तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो दूध दही से संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें देखो पूड़ी कचौड़ी वगैरह तो घर में बनती हैं। इसमें मुख्य रूप से खीर का प्रावधान है। खीर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, और पूर्वजों को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो खीर होती है, या उसे आप इस आधुनिक युग में मेवा का दूध भी कह सकती हैं, क्यों बहुत सी स्त्रियों को शायद खीर बनाने की कला नहीं आती है तो वो मेवा का दूध बना देती हैं, जो पूर्वजों को काफ़ी पसंद है। इसके साथ ही जो इमरती आपने देखी होगी वो इन दिनों में ही आती है, उड़द की दाल की इमरतियाँ जो बनी हुई आती हैं वो मुख्य भोजन माना जाता है मिष्ठान के रूप में। दूसरी बात, इसी में मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा मूली इसी दिनों में आना शुरू होती है। यूँ कहते हैं जो हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं श्राद्ध के समय में, उसे पचाने की कला केवल मूली के अंदर होती है, क्योंकि मूली सफ़ेद होती है श्राद्ध में, इसीलिए उसे मान्यता दी गई है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब कई कई समय पर सामने आते हैं, क्योंकि अब देखा गया है कि संतान की जो संख्या है वो कम हो जाना या सिंगल रहना उस तरीके से है। जैसे कि क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या श्राद्ध स्त्री या कन्या कर सकती हैं? देखो, आजकल के मॉडर्नाइज युग में बहुत बड़ी समस्या सनातन हिंदू धर्म के आगे आ चुकी है कि उनके यहाँ संतान का अभाव है। बहुत से परिवारों में मैंने देखा है कि वहाँ पुत्र है ही नहीं है। बहुत से परिवारों में मैंने ऐसे देखा है कि उनके केवल एक कन्या ही हुई थी, उसके बाद में कोई हुआ ही नहीं। तो वास्तविकता में श्राद्ध का जो अधिकार है, पहले नंबर पर तो होता है पुत्र को। पुत्र में भी जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसे सर्वाधिकार प्राप्त है। अन्यथा मेरी मान्यता के अनुसार अगर उस व्यक्ति के चार पुत्र हैं तो चारों कर सकती हैं अपने अपने स्तर पर। अगर वो एक ही घर में रहती हैं सामलात, तो बड़ा पुत्र करने का अधिकारी होता है। अन्यथा आपने जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है, क्या इस श्राद्ध को स्त्री या कन्या कर सकती है? तो वास्तविकता में शास्त्रों में ये लिखित है कि कन्या या स्त्री श्राद्ध करने की पूर्ण अधिकारी है। जब उसके कोई भाई ना हो या उसके कोई पुत्र ना हो तो वह श्राद्ध कर सकती है। इसमें एक और बात मैं आपको शामिल कर दूं, आपने देखा होगा बहुत से घरों में नाना नानी का भी श्राद्ध होता है। नाना नानी का श्राद्ध वही लोग कर सकते हैं जिनके भाई ना हो। अच्छा। मात्र एकमात्र उनकी माता थी, अब माता किसी कारणवश बीमार है, परेशान है, वो इस योग्य नहीं है कि वो श्राद्ध कर पाए, तो उसका पुत्र या पुत्री भी इस श्राद्ध को कर सकता है, जिसका पुण्य लाभ उसे पूरा प्राप्त होगा। अरे पंडित जी, जैसे कि अगर कोई दंपत्ति है और उसके ना तो पुत्र है और ना पुत्री है, यानी कि वो संतान नहीं है अगर उसके, और फिर आगे जा कर के अगर श्राद्ध करना जरूरी होता है सनातन धर्म में कहें, तो उनका फिर किस तरीके से होगा? देखो, श्राद्ध करने के लिए 15 लोग अधिकारी माने गए हैं जो पूरी वंशावली के अंतर्गत आती हैं। सपोज करो अगर आपके यहाँ ना पुत्र है ना पुत्री है, तो भाई के बच्चे जो होते हैं या बहन के बच्चे जो होते हैं वो भी अपने ही बच्चे हैं, क्यों ब्लड रिलेशन में आने वाले कोई भी व्यक्ति को श्राद्ध का उत्तराधिकारी माना गया है। अब सपोज करो उसके गर्भ से संतान हुई नहीं कोई, तो उसमें अगर आपने कोई गोदली हुई संतान रख रखी है अपने यहाँ, वह व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है उनके निमित्त।
अच्छा, जो पूर्ण माना जाएगा। अच्छा पंडित जी, जैसे कि अगर तर्पण की बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख तिथियां जो हैं तर्पण के लिए? देखो तर्पण के लिए तीन तिथियां विशेष रूप से मान्य हैं, जिसमें देखो 22 सितंबर पंचमी, 26 सितंबर नवमी और 2 अक्टूबर अमावस्या, जो सर्वोत्तम तिथि कहलाई जाएगी। दूसरी बात, 22 सितंबर जो है जिसे पंचमी कहते हैं वो मुख्य तिथि मानी गई है इसलिए। दूसरी बात, पंचमी वाले दिन मात्र नवमी आती है, दूसरी 26 तारीख को, जिसमें माता के निमित्त भी श्राद्ध किया जा सकता है। और 2 अक्टूबर जिस दिन अमावस्या है, जिसे देव पत्रकारे अमावस्या कहते हैं, उस दिन भूले बिछड़ों का भी श्राद्ध होता है। जिन लोगों को अपने माता पिता, पूर्वज, भाई बहन, किसी की भी जानकारी ना हो तिथि या तारीख की, वो व्यक्ति उस दिन श्राद्ध करके उस पुण्य लाभ को कमा सकता है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया मातृ नवमी की बात चलती है, तो मातृ नवमी के बारे में कुछ संक्षिप्त में कि आखिर वह क्यों मनाई जाती है? देखो मातृ नवमी का मतलब होता है जिन भी व्यक्तियों की माताएं या माता तुल्य बड़ी बहन, जिसे माता का उपाधि दी गई है, उन्होंने अपनी माता को नहीं देखा, उन्होंने बड़ी बहन को ही देखा, माता तुल्य थी जो कि, उसकी तिथि उन्हें याद नहीं है, उन्हें ये नहीं पता वो कब स्वर्गवासी हो गई, वो इस दुनिया में है या नहीं है, हमारा जन्म हुआ तो हमने उन्हें नहीं देखा था। तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में से नवमी जो तिथि है, जिसे मातृ नवमी नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो तिथि केवल इसी कार्य के लिए बनी हुई है कि उस दिन उस दिवंगत आत्मा के लिए, उस अपनी माता के लिए आप श्राद्ध कर सकती हैं अपनी हैसियत के अनुसार, उसका नाम लेके, उसका आह्वान करके, जिसका श्राद्ध का पूरा लाभ उस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को मिलेगा। अच्छा पंडित जी, अंतिम सवाल कि जो हम कई बार ऐसे होता है कि गया में जा कर के हम श्राद्ध तर्पण कर देते हैं और फिर उसके बाद ये मान लेते हैं कि अब वो श्राद्ध करने नहीं है, तो क्या सही है कि उसके बाद भी कंटिन्यू रखने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या कहता है ज्योति? देखो सबसे बड़ी बात, ये एक आम प्रचलन में आजकल आ चुका है कि व्यक्ति गया जाते हैं, वहाँ जाके अपने पूर्वजों के नाम का तर्पण जल दे आते हैं, उसके बाद में मैंने उन्हें कहते हुए देखा कि साहब हमने तो गया में जाके तर्पण करा लिया तो हम तो श्राद्ध नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात, क्या आप सब कुछ संपन्न होने के नाम से जो आप पूर्वजों की एक तरह से कल्पना हैं या उनकी कॉपी हैं, उनके द्वारा ही आपका जन्म हुआ है, उनके द्वारा ही आपका नाम सम्मान है, मान है, तो पूरे वर्ष में आप एक दिन भी उनके नाम से कुछ नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से आपको उनके आशीर्वाद से हर प्रकार की सुख सुविधा ऐसा वैभव प्राप्त है, उसके निमित्त भी आप कुछ नहीं कर पाती हैं, तो उन घरों में एक तरह से पितृदोष जैसी स्थितियाँ आने लगती हैं, उन घरों में ब्याह शादी के बाद संतानें नहीं होती हैं, उन घरों में बड़े बड़े रोग आ जाते हैं, उन घरों में सारी संपन्नता होने के बाद में भी कोई ना कोई कमी ऐसी बनी रहती है जिसे वास्तु दोष या पितृ दोष की संज्ञा हम लोग दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, माता पिता, दादा दादी, क्योंकि देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप 3 पीढ़ी का श्राद्ध कर सकते हैं, 3 पीढ़ियों के अंतर्गत आने वाले जो भी दिवंगत आत्मा हैं उनका श्राद्ध करना अनिवार्य है। उसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप अपनी हैसियत या औकात के अनुसार या जैसी भी संभाई प्रभु ने आपको दी है उसके अनुसार आप जो भी कर सकती हैं वो करो। आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप एक दूध का गिलास या 2 इमरती निकाल सकती हैं, आप वो भी नहीं कर सकती हैं तो आप गाय को रोटी निकाल के दे दें, वो भी पूरा माना जाएगा, क्योंकि गौ माता को हमारे हिंदू सनातन धर्म में माता की उपाधि दी गई है। अच्छा पंडित जी, वैसे तो अंतिम सवाल था पर एक अचानक दिमाग में आया कि जैसे श्राद्ध के जो दिन होते हैं उस दिन बस ये बता दीजिए कि उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर क्या नहीं करने पे अधिकतर सवाल रहते हैं कोई भी त्यौहार आए या कोई भी अगर तिथि आए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो तो आपने लगभग बता चुके हैं कि क्या करना चाहिए। क्या मैं आपको बता दूं, उस दिन सबसे प्रमुख बात क्या है कि सुबह उठने के बाद में एक तो घर की झाड़ा बुहारी वगैरह नहीं होती। अच्छा। उस दिन कपड़े भपड़े या स्त्रियां बाल वगैरह नहीं धोती हैं। अच्छा। उस दिन शुद्ध सात्विक तरीके से घर का खाना बनाया जाता है। सबसे पहली बात, पंचवली निकाली जाती है। आपने देखा हुआ कौआ है, गाय है, कुत्ता है, देवता है, भिखारी चींटियां हैं, इनके नाम की पंचबली निकाली जाती है। उसके बाद में जिसके भी निमित्त हम भोज कराना चाहती हैं अपने घर में, अब वो पुरुष है, स्त्री है, जो भी है, उसे स्वास्थ्य तरीके से आदर सम्मान के संग में आपको बुलाना है, उसे बिठालना है, उसे आदर सम्मान से जैसा वो खाना चाहता है उसे खाना खिलवाएँ,
उसके बाद में दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हैं, कपड़े जूते जो भी आप देना चाहती हैं दें। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बड़ी बात आपने कही कि साहब क्या नहीं करना चाहिए। उन दिनों में कोई भी गलत काम जैसे जुआ, शराब, सिगरेट या स्त्री संभोग के कार्य या किसी का जुआ सट्टा इत्यादि एमसीएक्स वगैरह खेलने की तुमने आदतें देखी होंगी, या किसी भी प्रकार का दुस्साहस, गाली गलौच, अभद्रता या किसी जानवर के संग में दुर्व्यवहार करना या बच्चों को मारा पीटी करना, उस दिन उसका त्याग करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, आपने जाना कि जो श्राद्ध होता है अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई भी मायने नहीं है। तो जो भी जो श्राद्ध है आपके पितरों का, तो उसको श्रद्धा से करिए। और जैसा पंडित जी ने बताया कि क्या करें और क्या ना करें और कैसे करें, उसका भी ध्यान रखिए। और देखते रहिए आप अमर उजाला डिजिटल, मैं अलीगढ़ से चमन सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।